नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु दत्त IBS की इस ऑनलाइन दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। आज से मैं आपको हरियाणा GK जो हरियाणा पुलिस हरियाणा नायब तहसीलदार के फॉर्म निकल चुके हैं और निकट भविष्य में बहुत सी परीक्षाएं हैं जो हरियाणा SSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की होने वाली है, उन सब में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करेगा। देखो, किसी भी परीक्षा में जो 25% हिस्सा होता है यानी 1/4 पार्ट उसका, वो एक अच्छा स्कोर लाने में हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। तो हरियाणा का किसी भी तरह का कोई भी आपका पेपर होता है तो उसमें 1/4 पार्ट आपसे हरियाणा सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है, जिसमें हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हरियाणा में जितनी भी चीजें फेमस हैं उन सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा 1947 से पहले किन किन जो सूबों का पार्ट रहा, किन किन लोगों ने अलग हरियाणा की मांग उठाई, और 1947 के बाद 1966 तक का सफर भी हरियाणा का कैसा रहा और किन लोगों की कितनी भूमिका रही एक नया हरियाणा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, ये जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या नायब तहसीलदार या हरियाणा से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम होगा, हरियाणा सामान्य ज्ञान वहां 25% पूछा जाता है और 1/4 पार्ट किसी भी एग्जाम का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो चलिए अब हम हरियाणा GK पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 1947 से पहले का हरियाणा कैसा था, एक थोड़ा सा परिदृश्य हम लोग यहां लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि 1833 में हम लोग, जो मैं खुद हरियाणा से हूं तो मैं हम लोग वर्ड इस्तेमाल करूं तो समझ जाइए मैं हरियाणा के लिए बोल रहा हूं, उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश की कानपुर रियासत का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश की कानपुर रियासत का हिस्सा होते थे 1833 में। ठीक है, तो फिर 1858 में हमें पंजाब में मिलाया गया। ठीक है, किसमें मिलाया गया? पंजाब में मिलाया गया। और 1858 से लेकर के 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, ये जानते हैं सारे। ठीक है, तब तक हम पंजाब का ही हिस्सा रहे, पंजाब का हिस्सा रहे। 1858 में हमें पंजाब में मिलाया गया था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो 1858 से लेकर के 1966 तक हम पंजाब का ही हिस्सा रहे। ठीक है, तो किन किन लोगों की भूमिका रही, किन किन लोगों ने एक अलग हरियाणा बनाने के लिए आवाज उठाई, या हरियाणा बनने की जो कोशिशें हैं कभी नाकाम रही, अंत में जाकर के 1966 में सफल रही, तो इन सब में किन लोगों की कितनी कितनी भूमिका है, ये बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले 1907 यानी 1907 में दो लोगों ने, एक थे लाला लाजपत राय और एक थे आसफ अली, जिनका संबंध कालका से है। कालका, पिंजौर कालका, आप सारे समझते ही होंगे। ठीक है, जिनका संबंध कहां से है? कालका से है। तो इन दो लोगों ने सबसे पहले एक अलग हरियाणा बनाने की मांग उठाई थी। जैसा कि लाला लाजपत राय के बारे में अगर कहूं तो लाला लाजपत राय का बहुत प्यार था हरियाणा के प्रति, और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, जब हरियाणा बना था सबसे पहले 7 जिले बने थे, उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। तो हिसार जो है, हिसार लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी है। अगर आपसे पेपर में यह सवाल पूछा जाए कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सा जिला है हरियाणा का, तो हिसार जिला लाला लाजपत राय की कर्म भूमि है। तो आसफ अली ये भी थे जिन्होंने 1907 में अलग हरियाणा की मांग उठाई, जो कालका से थे। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं इनके बारे में दे दूं, इनकी धर्मपत्नी का नाम था, जो आसफ अली है इनकी धर्मपत्नी थी अरुणा आसफ गांगुली, अरुणा आसफ गांगुली, ये आसफ अली जी की धर्मपत्नी थी। और अरुणा आसफ अली, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा की थी। तो अरुणा आसफ अली एक ऐसी महिला है, एकमात्र महिला जो कि हरियाणा से है, एकमात्र महिला जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, एकमात्र ऐसी महिला है हरियाणा से जिनको भारत रत्न मिला है 1997 के अंदर। तो यहां से भी सवाल बन सकता है बड़े आराम से कि एकमात्र महिला
हरियाणा से कौन है जिनको भारत रत्न मिला है, तो अरुणा आसफ गांगुली जो कि आसफ अली जी की धर्मपत्नी है, जिन्होंने 1907 में लाला लाजपत राय जी के साथ मिलकर के एक अलग हरियाणा बनाने की मांग उठाई थी। तो ये 1907 है, लेकिन यहां तक शांत नहीं हुआ और इनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई। तो इसके बाद 1925 में 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ठीक है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इन्होंने कोशिश की थी कि क्यों ना पंजाब से निकाल करके हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र दिल्ली में मिला दिया जाए, ठीक है, लेकिन इनकी भी कोशिश सफल नहीं हो पाई। तो इनके बाद 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी इन्होंने भी इन्हीं की मांग को दोहराया, ने भी इसी मांग को दोहराया कि हरियाणा को पंजाब से निकाल करके, यानी हरियाणा तो नहीं था उस टाइम पे, जो हिंदी भाषी लोग हैं उन लोगों को पंजाब सूबे से निकाल करके दिल्ली में मिला दिया जाए। 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने भी इसी मांग को दोहराया, लेकिन यह भी सफल हो नहीं पाई। और इसके बाद दोबारा कोशिश हुई 9 सितंबर 1932, दीन बंधु गुप्त इन्होंने कहा कि पंजाब से अलग हरियाणा को किया जाए। 9 सितंबर 1932 दीन बंधु गुप्त ने भी पुरजोर कोशिश की थी। और 1946 में पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष रहे पट्टाभी सीतारमैया, ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में इनकी मांग का, दीनबंधु गुप्त की मांग का खुलकर समर्थन किया। दीनबंधु गुप्त की मांग का खुलकर समर्थन किया था किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने, समझ रहे हैं? फिर 1947 में भारत आजाद हो गया। तो ये थोड़े से लोग थे, 5-7 लोग, जिनकी 1947 में हरियाणा के लिए बहुत सारी नाकाम कोशिश की गई कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसको पंजाब से अलग कर दिया जाए। कभी दिल्ली में मिलाने की मांग उठी, तो कभी बिल्कुल ही अलग एक राज्य बना दो। ये सारी की सारी जो मांगे दोहराई गई, ये आजादी से बात की थी, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा रिपीट ले लेते हैं। सबसे पहले देखो 1833 में हम लोग किसका हिस्सा थे बच्चे? हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश की कानपुर रियासत के अंडर हरियाणा आता था, ठीक है। तो 1858 में इसको कानपुर से निकाल करके पंजाब में मिला दिया गया। और 1 नवंबर 1966 तक, जब तक हरियाणा नहीं बना तब तक हम लोग पंजाब का हिस्सा रहे। फिर जो अलग हरियाणा बनाने की जो मांग उठी सबसे पहले, वो 1907 में उठी। लाला लाजपत राय जी जिनकी कर्म भूमि है हिसार, और आसफ अली जिनका संबंध कालका से है, इन दोनों ने एक अलग हरियाणा बनाने की मांग उठाई। और आसफ अली जी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, इनकी धर्मपत्नी का नाम था अरुणा आसफ गांगुली, जो एक मात्र महिला है हरियाणा की जिनको अब तक भारत रत्न मिला है 1997 में। क्यों मिला? भारत छोड़ो आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के कारण इनको यह भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन, जिन्होंने मांग उठाई कि क्यों ना जो हरियाणा हिंदी भाषी लोग हैं उनको पंजाब से निकाल करके दिल्ली में शामिल कर दिया जाए, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही। 1928-1928 के अंदर दिल्ली प्रदेश कमेटी ने भी इसी मांग को दोहराया कि पंजाब से निकाल करके हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए, तो यह भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 9 सितंबर 1932 दीन बंधु गुप्त ने एक अलग हरियाणा बनाने की मांग रखी। और 1946 में पट्टाभी सीतारमैया, जो अखिल भारतीय जो कांग्रेस थी उनके अध्यक्ष भी रहे, ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीन बंधु की गुप्त की मांग का खुलकर के समर्थन किया कि एक अलग हरियाणा बनाने की जरूरत है। तो यहां तक ये यह लोग थे जिनकी कोशिशें सफल नहीं हो पाई, और ये आजादी से पहले का हरियाणा है। किन किन लोगों ने कहां कहां से किस किस तरह की कोशिशें की एक अलग हरियाणा बनाने की, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जिक्र करेंगे आगे आजादी के बाद कौन कौन से लोगों का हाथ रहा, किन किन लोगों ने हरियाणा को अंतिम रूप देने का काम किया, ठीक है। इसको साफ कर देता हूं एक बार। तो अब आगे आजादी के बाद देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, ठीक है, भारत आजाद हुआ। तो जिस समय भारत आजाद हुआ
भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय 1947 में हम लोग किसका हिस्सा थे बच्चे, हम लोग पंजाब का हिस्सा थे, ठीक है, पंजाब के अंदर हम लोग आते थे। और जो पंजाब के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे, वो थे गोपीनाथ भार्गव, ठीक है, कौन थे, गोपीनाथ भार्गव, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोग 1947 में किसका हिस्सा थे, पंजाब का हिस्सा थे, और पंजाब के जो पहले सीएम थे वो थे गोपीनाथ भार्गव, और इनका संबंध हरियाणा के सिरसा से है बच्चे, ठीक है, कहां से है, सिरसा। सिरसा बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, बहुत सारे सवाल है पेपर में जो आपसे सिरसा से पूछे जा सकते हैं। मैं दो चार बातें आपको यहां बता देता हूं। सबसे पहले तो हरियाणा का वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है सिरसा, सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन है, सिरसा है, ठीक है। 1975 में सिरसा बना था, 1975 में, 1975 से पहले 66 में जब हरियाणा बना तो हरियाणा में 7 जिले थे, ठीक है, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ा जो जिला था स्टार्टिंग में वो हिसार था बच्चे। तो हिसार से निकाल करके 1975 में क्या बनाया गया, एक नया जिला बना सिरसा, 1975। याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि सिरसा कब बना, तो जिस समय देश में, जिस साल इमरजेंसी लागू हुई थी, 19 आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में, तो 1975 में ही सिरसा बना और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है। ये 1975 में सबसे बड़ा जिला नहीं बना था, हिसार से निकालने के बाद सिरसा, तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला रह गया था भिवानी, ठीक है, भिवानी रह गया था। और 2016 में भिवानी से चरखी दादरी अलग होने के बाद 2016 में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्या बन गया, सिरसा। तो आज वर्तमान में सबसे बड़ा जिला क्या है, सिरसा है। सिरसा के बारे में और भी ज्यादा प्रचलित बातें हैं, पेपर में बहुत बार पूछा गया सवाल है, जो सिख जाति है, सिख जाति के लोग सबसे ज्यादा सिरसा में रहते हैं, जो सिख कौम है वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा सिरसा में पाई जाती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा कपास और गेहूं कौन से जिले में होती है, हरियाणा के सिरसा में ही होती है। तो ये दो चार बातें हैं जो बार 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 हरियाणा के पेपर्स में पूछी गई है, एचएसएससी के किसी भी एग्जाम में, कि हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है। सिख जाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं, सिरसा में रहते हैं। और कपास और गेहूं का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, तो वो सिरसा जिले में होता है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़े तो जो दूसरे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, सॉरी पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री, वो थे भीमसेन सच्चर, भीमसेन सच्चर। तो जो ये भीमसेन सच्चर थे, ये 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लेकर के आए। क्या लेकर के आए, सच्चर फॉर्मूला। ये बार बार पेपर में पूछा भी गया कि पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लागू करने की कोशिश की गई, तो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू करने की कोशिश की गई। और ये सच्चर फॉर्मूला था क्या, सच्चर फॉर्मूला में क्या था कि भीमसेन सच्चर साहब ने कहा कि क्यों ना इस पंजाब सूबे को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, पूरे के पूरे पंजाब सूबे को डिवाइड कर दो, और भाषा ही आधार पर, यानी एक तरफ वो लोग रहेंगे जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, एक तरफ वो लोग रहेंगे जो हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन ये इनकी जो कोशिश है ये नाकाम रही। तो पेपर में ये सवाल बड़े आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है, कई बार पूछा भी गई है कि जो सच्चर फॉर्मूला है वो कब लागू किया गया, तो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया। और इस फॉर्मूले में क्या था कि जो पंजाबी, जो पूरा का पूरा पंजाब है इसको दो भागों में बांट दो, एक तरफ वो लोग रहेंगे जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, एक तरफ वो लोग रहेंगे जो हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम रही, इनकी ये कोशिश नाकाम रही। ये एक और नाकामी का आलम था, हरियाणा को जो जो पंजाब सूबे को बांटने की कोशिश की गई थी लेकिन ये नाकाम रहा, ठीक है। तो यहां तक ध्यान रखिए, एक 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और पंजाब सूबे के अंदर हम लोग आते थे, और उनके पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ भार्गव, जिनका संबंध हरियाणा के सिरसा से था। सिरसा के बारे में बता दूं, 1975 में बना, हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है, सिख जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, कपास और गेहूं की खेती सबसे ज्यादा
उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो बने पंजाब के वो बने भीमसेन सच्चर, जिन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू करने की कोशिश की। ये सच्चर फॉर्मूला क्या था बच्चे, कि इसको पंजाब जो सूबा था पूरा का पूरा, इसको दो भागों में बांट दिया जाए। एक तरफ वो लोग रहेंगे जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, एक तरफ वो लोग रहेंगे जो हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन इनकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे इसको। ठीक है, तो इसके बाद 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, जिसे हम लोग फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फजल अली आयोग। ये पर्सन भी कई बार आ चुका है पेपर में कि फजल अली आयोग कब आया, तो 1953 में। लेकिन जिसने भाषाई आधार पर पूरे पंजाब सूबे को बांटने की मांग को ऐसे स्वीकार कर दिया था, तो ये कोशिश भी सफल नहीं हो पाई। और जो ये फजल अली थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, तो इन्होंने भी भाषाई आधार पर, जो भाषाई आधार पर पंजाब विभाजन की मांग अस्वीकार कर दी गई है। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1955 में सौंपी थी। तो जो फजल अली आयोग है, इसका गठन कब हुआ, 29 दिसंबर 1953, राज्य पुनर्गठन एक्ट हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और फजल अली एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट जज थे फजल अली, और फजल अली आयोग जिसे हम लोग कहते हैं। तो भाषाई आधार पर इन्होंने भी पंजाब विभाजन की कोशिश की, और जिनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 के अंदर। क्लियर है सबको? तो इसके बाद दोबारा कर दे साफ, चौबीस जुलाई 1956, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रेसिडेंट थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अक्षेत्रीय फॉर्मूला गठित किया गया। ठीक है, क्या गठित किया गया, अक्षेत्रीय फॉर्मूला, ठीक है, लागू किया गया, अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया। इस अक्षेत्रीय फॉर्मूला में क्या था, कि भाषा के आधार पर या अक्षेत्र के आधार पर पूरे भारत का गठन, जो विघटन हो गया था, यानी कि हमें 1956 में, ये ध्यान रखना, भाषा के आधार पर या अक्षेत्र के आधार पर भारत विभाजन हुआ, सॉरी भारत में राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें पूरे भारत को 14 राज्य और 6 यूटी मिले थे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी 1956 में भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर पूरे भारत को तोड़ा गया, तो वहां से हमें 14 राज्य और 6 यूटी मिले। लेकिन दुख की बात यह थी कि इनमें भी हरियाणा नहीं था। तो 1956 में जब क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत को विभाजित किया गया, तो तब भी 14 राज्य और 6 यूटी इस देश को मिले, लेकिन उनमें हरियाणा का नाम नहीं था। और 1956 एक बात के लिए और पॉपुलर है, तो थोड़ा फेमस है, 1956 में पंजाब में प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी, प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी, कैरो की सरकार थी, सरकार थी कब बचे, 1956 के अंदर। तो इन प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया कि पंजाबी को कंपलसरी भाषा घोषित कर दिया गया, पंजाबी को अनिवार्य भाषा घोषित कर दिया पूरे पंजाबी सूबे के अंदर, अनिवार्य भाषा
घोषित कर दिया गया किसके द्वारा, प्रताप सिंह कैरो के द्वारा, कब, 1956 के अंदर। तो यहां से भी एक सवाल बन सकता है, पहली बात तो क्षेत्र या भाषा के आधार पर पूरे भारत का विभाजन कब हुआ, 1956। जो ये क्षेत्रीय फॉर्मूला है ये किसके अध्यक्षता में गठित किया गया, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और भाषा के आधार पर जब राज्य का निर्माण हुआ था तो हमें 14 राज्य और 6 यूटी मिले थे, लेकिन उनमें हरियाणा का नाम नहीं था। और 1956 में एक घटना और हुई, पंजाब में प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी जो इन्होंने पंजाबी को मैंडेटरी अनिवार्य भाषा घोषित कर दिया गया। तो जो हिंदी भाषी लोग थे उनको बड़ा दुख हुआ इस बात से, क्योंकि उन्हें ना पंजाबी बोलनी आती थी और ना ही आमदन की भाषा में उनके इस्तेमाल होती थी। और अनिवार्य का मतलब है कि कोई भी आपको गवर्नमेंट जॉब होगी ये सब होगी तो वहां पंजाबी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो यहां से लोगों के जो पहले तो सिर्फ कुछ नेता प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां से लोगों के मन में भी एक विद्रोह की भावना आई कि ऐसे तो चीजें पॉसिबल नहीं है, हम लोग नहीं जी पाएंगे। तो यहां से एक अलग हरियाणा की मांग ने ज्यादा बल पकड़ना शुरू किया। क्लियर है? तो इसके बाद 1956 में ये कोशिशें नाकाम रहने के बाद 1965 के अंदर बच्चे 1965 में सरदार हुकुम सिंह जिनका हरियाणा बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा, सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसको ये निर्णय लेना था कि क्या सचमुच में हरियाणा बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो ये पूरा घूमे, और ये जो सरदार हुकुम सिंह थे इनके बारे में बता दूं, ये लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे, कौन, सरदार हुकम सिंह। तो 1965 में इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और 23 अप्रैल 1966 सरदार हुकुम सिंह और संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य जो सीमा आयोग था जिसको हम लोग सा कमीशन कहते हैं के आधार पर सीमा आयोग या सा आयोग सा कमीशन या सा कमीशन या सा आयोग का गठन किया गया ये सहा कमीशन सहायोग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अप्रैल 1966 में बना। और सहा कमीशन सहायोग क्या था, सीमा आयोग, यानी इसको तय करना था कि किन लोगों को पंजाब के अंदर रखना है, किन लोगों को हरियाणा के अंदर रखना है। तो इस सीमा निर्धारण के लिए 23 अप्रैल 1966 को सहा कमीशन या सहा आयोग आया। और इस सहा कमीशन के अंदर बच्चे तीन लोग थे, सहा कमीशन में कौन कौन तीन लोग थे, एक तो जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे, और दो और सदस्य थे इसके, एम एम फिलिप और एस दत्त। ये तीन सदस्य थे इस आयोग के, सीमा आयोग के, जो 23 अप्रैल 1966 को गठित किया गया। किसके आधार पर, सरदार जो हुकुम सिंह थे उनकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और जो संसदीय समिति थी उसकी सिफारिशों के आधार पर सा कमीशन सा आयोग का गठन किया गया 23 अप्रैल 1966 के अंदर, जिसमें तीन सदस्य थे, जेसी शाह अध्यक्ष थे, एम एम फिलिप और एस दत्त दो इसके अन्य मेंबर थे, जिनको ये तय करना था कि किन लोगों को हरियाणा के अंदर रखना है, किन लोगों को पंजाब के अंदर रखना है, यानी सीमा आयोग का गठन किया गया, सीमा निर्धारण के लिए इन सबको बनाया। तो 31 मई 1966 को इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, संसदीय कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी थी, कब, 31 मई 1966 को। और इसके बाद बच्चे पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया, कब पारित हुआ, 28 सितंबर 1966 जो है संसद में पास कर दिया गया, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 18 सितंबर 1966। और इसके बाद 1 नवंबर 1966 को फिर हमें हरियाणा मिला, एक नई सौगात, एक नया जिला
हरियाणा बना दिया गया। तो ये हमारी हिस्ट्री थी हरियाणा से हरियाणा बनने तक कि किन किन लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। तो मैं यहाँ से आपको बता दूं, 1965 में सरदार हुकुम सिंह जो लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसको ये निर्णय लेना था कि क्या सचमुच में एक नया हरियाणा बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो उनकी सरदार हुकुम सिंह और जो संसदीय समिति उनकी सिफारिशों के आधार पर 23 अप्रैल 1966 को सा कमीशन या सा आयोग का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे जेसी सा और 2 अन्य सदस्य थे एमएम फिलिप और एस दत्त। इन लोगों को सीमा आयोग या सा कमीशन की एक कमेटी बनाई गई थी इन तीन लोगों की और उस सीमा आयोग को यह तय करना था कि जो पंजाब और हरियाणा की सीमा है उसका निर्धारण कैसे करेंगे, कौन से लोग हैं वो पंजाब सूबे का पार्ट रहेंगे, कौन से लोग हैं जिनको हरियाणा में शामिल किया जाए। तो 31 मई मात्र 1.5 महीने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी संसद में 31 मई 1966 को और 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ और 1 नवंबर 1966 को एक नया हरियाणा बना दिया गया। तो उस नए हरियाणा में क्या क्या था ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अभी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना बच्चे और भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ। भारत का 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ। ये बात भी पेपर में बहुत बार पूछी जा सकती है कि कौन से नंबर पे हरियाणा बना, तो 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ और संविधान के 7वें संशोधन के तहत, संविधान के 7वें संशोधन के तहत। बहुत सारी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको 18वें संशोधन के तहत मिलेगा जो बिल्कुल सरासर गलत है। एचएसएससी हमेशा इसका जवाब 7वें संशोधन के तहत ही मानता है। तो हरियाणा का गठन 17वें राज्य के रूप में हुआ और 7वें संशोधन के तहत। अब सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ये कि जब हम हरियाणा से अलग हुए, सॉरी पंजाब से अलग हुए, तो पंजाब का 35% हिस्सा हमें दिया गया। ठीक है, कितना हिस्सा हमें दिया गया, 35% हिस्सा मिला हमें, 35% हिस्सा मिला, 35.8% लगभग का हिस्सा मिला और जो आज भी उतना का उतना ही है। ना एक गज जमीन हमने किसी से ली ना हमारी किसी ने ली, तो क्षेत्रफल जो है हरियाणा का वो उतना का उतना ही रहा, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हरियाणा का अगर क्षेत्रफल की बात करें हम लोग कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे भारत का 1.34% है। भारत का कितना है, 1.34%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा नंबर पूरे भारत का 21वां नंबर आता है, 21वां स्थान है। ठीक है, यानी कि 20 राज्य ऐसे हैं पूरे भारत में जो हरियाणा से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पंजाब का 35% हिस्सा हमें मिला, क्षेत्रफल कितना मिला, 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो भारत पूरे भारत का 1.34% है और 21वें स्थान पर हमारा नंबर आता है। अगर मैं थोड़ी सी अगर 2011 जनसंख्या के आधार पर बात करूं, जो पॉपुलेशन सेंसस था जनसंख्या 2011, तो जो हरियाणा की जनसंख्या है, हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है। ठीक है, और जो पूरे भारत का 2.09% है और जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग 18वें नंबर पर आते हैं, भारत में 18वें स्थान पर है। यानी कि पूरे भारत में 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या हमसे ज़्यादा है। थोड़ा सा डाटा याद कर सकते हो अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो, देखो भारत का, भारत में पूरे भारत में हरियाणा का नंबर 18वां नंबर है और 18 लड़की की शादी की उम्र होती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि जब लड़की की शादी की उम्र का यानी जनसंख्या का नंबर आए तो लड़की की शादी की उम्र यानी 18वें नंबर पर, और जब क्षेत्रफल की दृष्टि से आए तो लड़के की शादी की उम्र यानी 21 साल। तो ये दोनों के दोनों डाटा बड़े आराम से याद किए जा सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे, 21वें नंबर पे, यानी लड़के की शादी की उम्र, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे, 18वें नंबर पे, यानी लड़की की शादी की उम्र। तो ध्यान रहेगा सबको। तो ये हमें मिला था 35% हिस्सा, क्षेत्रफल हमारा उतना का उतना है आज तक। इसके अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्टार्टिंग के हरियाणा से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, जो नवंबर 1 नवंबर 1966 के आसपास का हरियाणा था, उन सब बातों का भी जिक्र करते हैं, इसको साफ कर देता हूं मैं। बहुत बार जो पेपर में आया भी है कि जब हरियाणा बना तो यहाँ जो विधानसभा की सीटें थी वो कितनी थी, तो
1966 में जब हरियाणा बना तो 54 विधायक होते थे हरियाणा में, ठीक है, कितने विधायक थे, 54 विधायक थे, और 1967 में, 1967 में ये बढ़के कितनी होगी, 81 सीट हो गई थी, 81 सीट हो गई, ठीक है, कब बच्चे, 1967 में, और इसके बाद फिर 1977 में परिसीमन आयोग के तहत, परिसीमन आयोग के तहत संख्या 90 कर दी गई है, 90 कर दी गई, और आज भी हरियाणा में 90 ही विधानसभा सीटें हैं। तो ये सवाल बच्चों ने कई बार पूछा भी है और बहुत बार पेपर में आया भी है कि जब हरियाणा बना था तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें, जो हरियाणा विधानसभा की सीटें, कितने विधायक होते थे उसमें, तो 54 विधायक होते थे, और 1967 में 81 हो गए, और 1977 में परिसीमन आयोग के तहत ये संख्या 90 कर दी गई, और आज भी हरियाणा में उतनी की उतनी सीट है। क्लियर है सबको? तो यहां से साफ कर दूं मैं इसको। इसके बाद तो जब हरियाणा बना, स्टार्टिंग में हरियाणा में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा में बच्चे 7 जिले थे, ठीक है, कितने जिले थे, 7 जिले। वो 7 जिले कौन से थे, सबसे पहले गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था अब क्या हो गया गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे जब हरियाणा बना। देखो गुरुग्राम जी से बनता है, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई जा सकती है यहां से, कभी भी अगर जो 7 जिले स्टार्टिंग के हरियाणा के 7 जिले याद रखने हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, घर जम्मू कश्मीर में, यानी कि जी एच ए आर जे के एम, यानी जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। इन 7 जिलों के बारे में और जितने जिले दोबारा बने इन सब का जिक्र हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, जहां से मैं आपको पूरे जिलों का जो विवरण बताऊंगा कि कौन सा जिला कब बना और हरियाणा की सीमा किन किन जिलों से टच करती है, सॉरी किन किन राज्यों से टच करती है, कौन से हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से टच नहीं करती। इसके अलावा हम लोग पुलिस कमिश्नरी, पुलिस रेंज, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ से एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं बच्चे, जब हरियाणा का गठन हुआ था तो ये 7 जिले बने थे, अगर इनमें से कभी भी कोई भी जिला पूछा जाए कि जींद कब बना, हिसार कब बना, तो ये सारे जब हरियाणा बना तभी बने, 1 नवंबर 1966 को। तो जब हरियाणा बना सबसे बड़ा जिला कौन था, हिसार, सबसे बड़ा जिला था हरियाणा का हिसार, और 1975 तक यही रहा। 1975 में सिरसा बनने के बाद जो सबसे बड़ा जिला बन गया वो बन गया था भिवानी, ठीक है, और भिवानी रहा 2016 तक, और 2016 में भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया, और 2016 के बाद फिर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, जो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है, वो है सिरसा, ठीक है। तो उस समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला था जींद, सबसे छोटा जिला था जींद और सबसे बड़ा जिला था हिसार। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ये तो वो है जब हरियाणा बना तब स्टार्टिंग में कितने जिले थे, ये सारी चीजें, क्लियर। तो जिलों के बारे में हम लोग, कौन कौन से जिले कब बने, उनकी क्या क्या खास बातें हैं, डिविजन्स, मंडल, पूरे के पूरे राजस्व मंडल जो है, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस रेंज, ये सारी बातें अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा आज, इसके अलावा दो चार बातें और जान लेते हैं। जब हरियाणा बना तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, और इनका संबंध हरियाणा के बेरी से था, बेरी, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बेरी है, ठीक है, ये वहां के रहने वाले थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका संबंध कहां से है, बेरी, झज्जर से, ठीक है। और जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, दूसरे मुख्यमंत्री, ठीक है, ये थे राव वीरेंद्र, राव वीरेंद्र, ठीक है। राव वीरेंद्र के बारे में मैं खास बात तो बता दूं आपको, ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, पहले गैर
कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये सवाल पेपर में आया बहुत बार, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और इनका संबंध जो है, इनकी जो पार्टी थी वो थी विशाल हरियाणा पार्टी। कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी के अध्यक्ष थे ये राव वीरेंद्र। और ये राव वीरेंद्र जो है, ये सबसे लंबे समय तक जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, सॉरी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इनका संबंध था विशाल हरियाणा पार्टी से, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी चीजें और है मुख्यमंत्री के रूप में। अगर आपसे सबसे ज्यादा पूछे कि सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, ठीक है, कि जिन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर हरियाणा में सबसे ज्यादा समय बिताया है, तो वो थे भजन लाल, ठीक है, चौधरी भजन लाल। बिश्नोई संप्रदाय से ही आते हैं, ठीक है, चौधरी भजन लाल केंद्र में मंत्री भी रहे और आजकल इनके पुत्र हैं जो कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी हजका, हरियाणा जनहित कांग्रेस, और वो भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये सबसे ज्यादा कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा कार्यकाल के बजाय हम समय रहने वाले, समय सबसे ज्यादा समय रहने वाले मुख्यमंत्री हैं चौधरी भजन लाल। और सबसे ज्यादा टाइम बनने वाले, सबसे ज्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री, यानी सबसे ज्यादा बार जिसने शपथ ली, तो 5 बार शपथ लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनके पिता ओम प्रकाश चौटाला, जिनके पिता थे ताऊ देवीलाल, जननायक के नाम से जाना जाता है उनको। और 1989 और 90 में जब नरसिम्हा राव जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, इन्होंने ही सौंपा था उनको ये पद, इनको ऑफर किया गया था ताऊ देवीलाल जी को, लेकिन उन्होंने अपनी सहमति के बाद, सब लोगों की सहमति के बाद ये पद नरसिम्हा राव जी को दे दिया था। और 1989-90 में वो देश के उप प्रधानमंत्री बने। देवीलाल जननायक के नाम से जाने जाते हैं और हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो उनके 1917 में वो पैदा हुए और 1970 में पहली बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, और 1989 और 90 के अंदर वो देश के उप प्रधानमंत्री बने। ये छोटी सी बातें ताऊ देवीलाल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा लगातार, सबसे ज्यादा लगातार, सबसे ज्यादा रहने वाले या लगातार सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, ठीक है, लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लगातार 10 ईयर मुख्यमंत्री है लगातार 10 साल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 2004 से लेकर के 2014 तक, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले रहे। और सबसे एक ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले, सबसे ज्यादा समय रहने वाले मुख्यमंत्री, लगातार 7 वर्ष, यानी एक ही बार चुनाव होने के बाद लगातार 7 वर्ष तक जो बंसीलाल थे, चौधरी बंसीलाल, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे एक ही कार्यकाल में। देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। सबसे पहले जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे राव वीरेंद्र, जिनका संबंध था विशाल हरियाणा पार्टी से, ठीक है, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र, और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है, यानी कि कुल मिलाकर इनको जो टाइमिंग में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है चौधरी भजन लाल, और सबसे ज्यादा बार यानी 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एक बार वो मात्र 13 दिन भी रहे, एक कार्यकाल उन्होंने पूरा भी किया, वो थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे लगातार सबसे ज्यादा कार्यकाल, देखो टोटल अगर एज अ सीएम अगर जिसने समय सबसे ज्यादा समय बिताया तो वह चौधरी भजन लाल, लेकिन लगातार कंटिन्यूअसली 10 साल तक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे वो रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और एक ही चुनाव, एक चुनाव जीतने के बाद लगातार एक ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले रहे चौधरी बंसीलाल, जो 7 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। और 1991 में जो बंसीलाल है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, चौधरी बंसीलाल के बारे में, जो ये चौधरी बंसीलाल थे बच्चे, ये बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का
निर्माता, किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। 1991 में, तो 1991 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। देखो, एक थी हजका, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री कुलदीप बिश्नोई जी, और एक विशाल हरियाणा पार्टी जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र ने बनाई, और एक 1991 में हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी चौधरी बंसीलाल ने। तो 1991 इन्होंने पार्टी बनाई और 1996 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, कौन, चौधरी बंसीलाल, ठीक है, जो इनके बड़े सुपुत्र हैं रणवीर महिंद्रा जी, वो एक बड़े सुपुत्र इनके थे जिनकी ओम प्रकाश जिंदल जी के साथ प्ले, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया था जिनका, और इनके एक बेटे जो रणवीर महिंद्रा जी है वो बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी रहे रणवीर महिंद्रा जी। तो 1996 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 1966 में इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी लागू कर दी थी, ठीक है, क्या लागू की, शराबबंदी लागू हरियाणा में 1996 में शराबबंदी लागू हुई और 1998 में इसको फिर से खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त की गई शराबबंदी, ठीक है। तो हरियाणा में शराबबंदी लागू करने वाला, जो हरियाणा में शराबबंदी करने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री जो है वो है चौधरी बंसीलाल, जिनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। 1991 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी और 1996 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और इसी साल इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी लागू करी और 1998 में इन्होंने उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। तो एक और सवाल है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया चौधरी बंसीलाल के बारे में, बड़ा फेमस है, इन्होंने हरियाणा में तमिल भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया था, द्वितीय भाषा का दर्जा दिया था, ठीक है, दर्जा दिया था, यानी हरियाणा में तमिल को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री। ये बात थोड़ी डाइजेस्ट करनी मुश्किल है हमारे लिए कि तमिल बोलने वाले लोग हरियाणा में कहां से आएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि बंसीलाल जी को थोड़ा पंजाबी लोगों से चिढ़ थी, तो उन्होंने पंजाबी की बजाय, और सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा देना ही था किसी लैंग्वेज को, तो उन्होंने तमिल भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया था। तो ये बड़ी मशहूर सी बातें हैं चौधरी बंसीलाल जी के बारे में, जो आपसे पेपर में बहुत बार पूछी जा सकती हैं, क्लियर है। तो आज हम लोग इस पहली वीडियो में इतना ही जानने वाले हैं, जहां से हमने सीखा कि 1833 से लेकर के 1 नवंबर 1966 तक का हरियाणा कैसा था, किन किन लोगों का योगदान रहा, कुछ लोगों की कोशिशें नाकाम रही, कुछ लोगों की कोशिशें अंत में सफल रही और एक नए प्रदेश के रूप में हमें हरियाणा मिला, और उसके बारे में, उसका एरिया कितना है, कितनी पॉपुलेशन है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, थोड़ी सी बातें हमने जानने की कोशिश की। तो ये, और स्टार्टिंग में कितने विधायक थे हरियाणा में, कितनी सीटें थी, ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन आज हमने जानी। तो मैं यहां से क्लियर कर देता हूं आपको, ये सीरीज चलाने वाले हम लोग हरियाणा जीके की। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हरियाणा में जो राज्यों का, जो अलग अलग जिलों का निर्माण हुआ वो किस साल में हुआ, उन जिलों की क्या खास बात है। इसके अलावा डिवीजन मंडल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, राजस्व मंडल जो है पूरे के पूरे हरियाणा में 6 राजस्व मंडल है, पहले 4 होते थे, 2 नए बने। इसके अलावा हम लोग पुलिस रेंज, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस वालों के लिए जो हरियाणा पुलिस का फॉर्म जिन्होंने भरा हुआ उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 5 पुलिस रेंज हरियाणा में, 3 पुलिस कमिश्नरी है, सबसे नया जिला पुलिस जिला बनाया जा रहा है, एक पुलिस जिला हांसी है और एक नया पुलिस जिला बनाया जा रहा है मानेसर, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।